आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो चुका है तो उसे आप कैसे रिन्यू करवा सकते हैं, रिन्यू होगा कि नहीं होगा, आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा या फिर क्या प्रोसीजर होगा, तो आज मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ ड्राइविंग ना करें। अगर आपके पास एक्सपायर्ड लाइसेंस है तब भी आप एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ ड्राइविंग ना करें, क्योंकि अगर आप यहाँ बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाते हैं तो आपको 500 से 900 रियाल का फाइन भरना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा लें। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो चुका है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, आप किस तरह उसे दोबारा से रिन्यू करवा सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसीजर है, आपको ये देखना है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कितने साल से एक्सपायर है। अगर वो 10 साल से एक्सपायर है, 8 साल से एक्सपायर है, तो फिर भी उसे रिन्यू किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आपको पर ईयर के हिसाब से 100 रियाल पेनाल्टी फीस भरना होगा। यानी कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल से एक्सपायर है तो आपको 1000 रियाल यानी कि पर ईयर 100 रियाल के हिसाब से 1000 रियाल आपको पेनल्टी भरना होगा। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ीस भरना होगा जितने साल का आप बनवाना चाहते हैं, यानी कि रिन्यूअल फ़ीस। उसके बाद आपको एक मेडिकल टेस्ट करवाना होगा जो कि प्रेजेंट टाइम का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का एक अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट के डेट पे जाकर अपना रिन्यूअल करवा सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत ही इजी है। और जो मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ कार रेसिंग करते हैं या ड्रिफ्टिंग कहते हैं, जिसे कार को कई तरह से गोल चक्कर में घुमाते हैं लोग, यानी कि स्टंट करते हैं, तो आप स्टंट ना करें, क्योंकि स्टंट अगर आप करेंगे तो आपको 20,000 रियाल का जुर्माना देना होगा। तो अगर आप स्टंट करते हैं रोड पर तो आप इससे बचें, क्योंकि अगर आप स्टंट करते हुए कहीं पकड़े गए, किसी ने कंप्लेन कर दिया या फिर किसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, तो आपको 20,000 रियाल का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आप ड्रिफ्टिंग से बचें, यानी कि कार को स्टंट ना करवाएं, क्योंकि इससे कार का नुकसान होगा और अगर कार में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको उसका भी पैसा लगेगा। और अगर कहीं पर रिकॉर्ड हो गया या फिर किसी ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दिया आपका, तो फिर आपको 20,000 रियाल का ग्रामा भरना पड़ेगा। तो इससे बचें। और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो।